आइए अब खबरें विस्तार से। जबलपुर से गिरफ्तार आईएसआईएस के 3 संदिग्धों से पूछताछ में आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकी ऐसी मैगजीन का पता चला है जिसके पन्ने नफरत फैला रहे हैं, आतंकी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए आप। आतंकी मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद, गजवाए हिंद के सपने, जिहादी जहर, नफरत के पन्ने, आतंक का कोरोना कनेक्शन, अफगानिस्तान रूट पर एक्शन, मैगजीन का माइंड गेम। जबलपुर से गिरफ्तार आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्धों से पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। आतंकी युवा को दहशतगर्दी के रास्ते पर ले जाने के लिए उनके दिलो दिमाग में मैगजीन के जरिए जिहादी जहर भर रहे थे। उस मैगजीन का नाम है सावत अल हिंद, यानी वॉइस ऑफ हिंद। ये मैगजीन अफगानिस्तान में छपती है और वहाँ से भारत लाई जाती है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाने में किया जाता है। एनआईए की पूछताछ में आतंक की इस मैगजीन से जुड़े खुलासे हुए हैं। इस मैगजीन के जरिए भारत में कोरोना फैलाने की सलाह तक दी गई थी। मुस्लिम युवकों से अपील की गई थी कि वे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाएं और इसके लिए उन्हें बरगलाया गया। ये बताया गया कि मुसलमानों को कोरोना नहीं होता। इस मैगजीन के जरिए आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही। एनआईए ने आईएसआईएस से जुड़े जिन 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है वो भी ये मैगजीन पढ़ते हैं। इस खुलासे के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और आतंक की इस मैगजीन पर शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सतपुड़ा भवन में लगी आग पर घंटों की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए लेकिन इससे पहले आग पर सियासी गर्मी बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। बारह घंटे से ज्यादा की जद्दोजहद के बाद सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सबने राहत की सांस ली है। आग में करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। बताया जा रहा है कि 12,000 से ज्यादा फाइलें जलकर राख हो गई। इस घटना के कारणों का पता लगाने में सरकार लगातार जुटी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू बैठक की जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव, डीजीपी सहित आला अधिकारी शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है और कहा कि कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि डिजिटल जमाना है, आग में जली फाइलों को रिक्रिएट कर लिया जाएगा। कई कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज की बात है वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे। यहाँ से लेके केंद्र तक, क्योंकि केंद्र परिवर्तित योजनाएं भी रहती हैं, पूरी केंद्र परिवर्तित योजना और दिल्ली तक इसका डाटा रहता है। सतपुड़ा भवन में आग पर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, घटना को साजिश बता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आग लगी या लगाई ये बड़ा प्रश्न है। कमलनाथ इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं और मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उस पर पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस इस घटना में भी अवसर तलाश रही है। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं, उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस जो है ना, वहाँ सहायता में तो कहीं नहीं हो, इसमें भी अवसर तलाश है। 4,000 कर्मचारी अंदर है, अब इसमें कैसे आग लग जाएगी।
कौन मिट्टी का तेल पेट्रोल ले जाएगा, ये सोचने वाली बात है। मेरे को तरस आता है इनकी बुद्धि पर कि वहाँ पर इस तरह का कोई फाइलों का सिस्टम भी नहीं था, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। ये निंदा के काबिल आरोप है, कोई ना तो वहाँ परचेजिंग की फाइलें रहती है, टेंडर की फाइलें रहती है। इस सियासत के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि इस घटना ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक भवन में लगे आग की खबर आग की तरह भोपाल से दिल्ली तक पहुंची। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड प्रशासन के पसीने छूटने लगे तो सीएम शिवराज ने पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह तक से मदद मांगी। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फायर ब्रिगेड एसडीआरएफ से लेकर आर्मी तक ने मोर्चा संभाला। आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी, इस दौरान हजारों फाइलें जलकर राख हो गईं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट भी बताई जा रही है। इस घटना पर सतपुड़ा भवन के कर्मचारियों का बड़ा बयान भी आया, उनके मुताबिक बिल्डिंग में आग को रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगी है आग तो कहीं, लेकिन जो थर्ड फ्लोर पर जैसे ही लगी उसके बाद उसको कंट्रोल नहीं हो पाई, तो चार और पाँच छः पर चली गई। आप मौजूद थे जब आग लगी थी कल? हाँ मौजूद थे हम लोग। थर्ड फ्लोर पर धुआं निकल रहा था, थोड़ी सी आग लगी, इसके बाद कुछ फायर ब्रिगेड भी आई लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुई, इस कारण चौथी पांचवीं पर चली। कुछ थे नहीं कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह आग बुझाने के लिए कुछ साथ? अब इसकी तो जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उतने नहीं थे पर्याप्त जितने होना चाहिए था कि कंट्रोल हो जाती। सतपुड़ा भवन में कई सरकारी दफ्तर हैं जिसमें 1000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग में आग लगना और फिर उस पर काबू पाने में घंटों की जद्दोजहद बिल्डिंग की फायर सेफ्टी पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार की जांच के बाद इस घटना से जुड़े तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले आग पर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिजाब, कलावा, धर्मांतरण, प्रताड़ना, मस्जिद के गुप्त द्वार, तफ्तीश में संगीन कलियां जुड़ती ही जा रही हैं। अब जब गंगा जमुना ग्रुप का काला चिट्ठा खुला तो प्रशासन की टीम भी हैरान रह गई। आप भी देखिए रिपोर्ट। दमोह के गंगा जमुना ग्रुप का कच्चा चिट्ठा लगातार खुल रहा है। प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद बीते चार दिनों से चल रही अलग अलग जांचों में बड़े खुलासे हो रहे हैं। गंगा जमुना ग्रुप के 8 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की दमोह, जबलपुर और सागर की टीमों की कार्रवाई से लाखों की टैक्स चोरी का पता चला। स्टेट जीएसटी के अधिकारियों के मुताबिक ग्रुप की 78 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी पकड़ी गई है। ग्रुप ने तेंदुपत्ता यानी कि बीड़ी उद्योग में बड़ी टैक्स चोरी की है। जीएसटी की टीम कार्रवाई में जुटी है, अनुमान है कि टैक्स चोरी की रकम और बढ़ेगी। गंगा जमुना ग्रुप के काले कारनामों के और खुलासे होंगे। ग्रुप की 9 फर्मों पर कार्रवाई की गई थी जिसमें से 8 फर्म एक्टिव हैं, एक फर्म में कोई काम नहीं हो रहा वर्तमान समय में, और इसमें जांच कार्रवाई 4 दिन चली है। और जांच कार्रवाई के दौरान जो अभी तथ्य सामने आए हैं उस पर लगभग 78,68,965 रुपए जमा कराया गया है। ये प्राथमिक रूप से है, ऐसा मतलब ही कार्रवाई जारी रहेगी। हिजाब विवाद के बाद गंगा जमुना स्कूल और उससे जुड़े ग्रुप पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। स्कूल की नई बिल्डिंग में बिना अनुमति निर्माण का मामला भी सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची और जो हिस्सा बिना अनुमति बनाया गया उसे तोड़ा गया। गंगा जमुना स्कूल के जो निर्माणाधीन ऊपर की बिल्डिंग है फर्स्ट फ्लोर में, वो उसकी स्वीकृति नहीं लिए गए थे, उनको नोटिस दिए थे और उन्होंने आज उसका जवाब दिया है। जवाब में उन्होंने अवैध निर्माण की स्वीकृति न लेना बताया है, कबूल किया है कि हमने स्वीकृति नहीं ली है क्योंकि वो अवैध था, इसलिए हमने उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है इसलिए उसको तोड़ रहे हैं। सर फर्स्ट फ्लोर तोड़ा जा रहा है नीचे, उसकी जाँच चल रही है, उसके कागज उन्होंने कुछ सबमिट किए उसकी जाँच चल रही है। वो ऊपर का भी उन्होंने बिल्कुल कबूल लिया है कि हमने स्वीकृति नहीं ली है। हाँ अभी तो हम हटा रहे हैं, हटा के जब्त करके यही उनको सुपुर्दगी दे देंगे। कार्रवाई कब तक जारी है? जब तक ऊपर काटेगा नहीं, रात में भी क्या इस तरह की कार्रवाई? हाँ चलती रहेगी कार्रवाई, चलती रहेगी, प्रकाश की व्यवस्था की जा रही। गंगा जमुना स्कूल को लेकर खुलासे हो रहे हैं, सरकार भी लगातार एक्शन मोड में है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त चेतावनी दी है, कहा है कि बुलडोजर लगातार चल रहा है। बिल्कुल जांच की जा रही है, प्याज के छिलकों की तरह से
परतें एक के बाद एक उभरती चली जा रही है और जांच सही दिशा में चल रही है। जो फरार है और इस तरह की जितनी फिरका परस्त टांगते हैं, माफिया है, इन पर तो बुलडोजर चलता ही। गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाए जाने, धर्मांतरण कलावा पहनने पर बच्चों की पिटाई जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गंगा जमुना ग्रुप से जुड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, जिसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। दमोह से न्यूज 18 के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सीएम शिवराज ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। प्रदेश के किसानों की सम्मान निधि 2000 रुपए बढ़ाने का सीएम ने ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही किसान सम्मान निधि की राशि अब 12000 रुपए हो गई। किसान इस फैसले पर काफी खुश हैं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा 1000 दूंगा तो 1000 दिए, मैंने कहा किसानों को 4000 दूंगा तो 4000 दिए, अब कह रहा हूँ 6000 तो 6000 दूंगा। बोलो मामा पे विश्वास है, अरे सबको विश्वास है। एमपी के लाखों किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने किसान सम्मान निधि 2000 रुपए और बढ़ा दी है। प्रदेश के किसानों को अब सम्मान निधि के तौर पर 12000 रुपए मिलेंगे। राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ के दौरान सीएम ने ये ऐलान किया। इस दौरान 70 लाख किसान परिवारों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 1400 करोड़ रुपए की राशि भी सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 44.49 लाख किसानों के खाते में 2933 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री जी कह रहे अम्मा बाबी 6000 देगा, 6 और 6 मतलब 1000 रुपया। अरे 1000 रुपया महीना। अब देखो भैया, छोटा किसान परिवार है तो श्रीमती जी के 1000, श्रीमान के 1000, साल भर में कितने हो गए? अरे हिसाब लगाओ ना, 24000। किसान सम्मान निधि बढ़ाए जाने के सीएम शिवराज के ऐलान से किसानों में खुशी है। इनका कहना है कि इससे किसानों को फायदा तो होगा ही, सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी लाभ होगा। बहुत असर होगा और शिवराज सिंह जी को बहुत लाभ मिलेगा इसका। नहीं, किसानों को क्या फायदा होगा? किसानों को क्यों नहीं होगा फायदा? हम किसानी तो है, सभी किसानों को फायदा होगा। नहीं, अभी तक जो राशि मिल रही थी अब वो बढ़कर मिलेगी, तो उसमें क्या फायदा? ज्यादा फायदा होगा, बढ़कर का फायदा किसानों को, किसानों को ज्यादा फायदा होगा। अभी तक कितनी राशि मिल रही थी और अब कितनी मिलेगी? पत्रकार साहब, सीधो माँ को आज कमल का निशान का बटन पे जागो। प्रदेश में चुनावी साल है और सीएम लगातार एक्शन में हैं। आधी आबादी के बाद मामा ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। किसानों को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा दाम लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा सियासी दलों की तैयारियां भी उसी तेजी से चल रही हैं। लेकिन इन तैयारियों के साथ साथ जरूरी है माहौल बनाना, जिसे लेकर दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल जुटे हुए और अपनी अपनी उपलब्धियों से अधिक दूसरों की खामियां गिनाने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर से किया। प्रियंका ने नर्मदा पूजन से चुनावी अभियान का आगाज किया तो इसे कांग्रेस के हिंदुत्व के एजेंट के रूप में समझा गया और ऐसे में जाहिर है हिंदुत्व पर एकाधिकार मानने वाली बीजेपी को रास ये नहीं आया। टीकमगढ़ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने प्रियंका को टारगेट किया और कहा कि ये लोग सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, ठीक साइबेरियन पक्षी की तरह। श्रीमती प्रियंका वद्रा कितने बार आती है? चुनाव आ रही है, शंखनाद करने आती है, फिर बाद में फिर चुनाव आ रही है, फिर शंखनाद करने आती है। तो ये शंखनाद की नेता है, ये बाद में कभी भी कहीं आसपास को दिखती नहीं है। ये साइबेरिया की जो पक्षी आते हैं वैसा ही
कांग्रेस की नेता ये राहुल गांधी और ये दुनिया में घूमते घूमते एक बार चक्कर लगाते हैं। वैसे पहला मौका ये नहीं जब बीजेपी ने विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए पंछियों से तुलना की हो। कुछ वक्त पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक सभा में नाम लिए बगैर कहा था कि वक्त चुनाव का है, कई पंछी फड़फड़ाते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन आपको मुगालते में नहीं रहना है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के आरोप पर जोरदार जवाब आया। कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ का कहना है कि बीजेपी पूरे देश में लूट और पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगी है। उसे बताना चाहिए कि जब राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा कर रहे थे तब आंखों पर उसके पट्टी पड़ी थी क्या? पूरे देश में लूट खसोट पॉलिटिकल मैनेजमेंट यही तो कर रहे हैं, जनता के हित की बात कहां कर रहे हैं? तो ये हमें ना बताएं या अपने गिरेबान झांक के देखें तो बेहतर होगा। आंख में पट्टी बंधी है उनके, जिनको चुनाव के समय 6 महीने राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा किए हैं, तब ये सो रहे थे क्या कुंभकर्णी नींद में? आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जितना देश में एक एक जगह घूम करके जो जनता को जगाने का काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है। ये महंगाई की बात क्यों नहीं करते? ये बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? ये भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं करते? सतपुड़ा में यहाँ आग लग गई, करोड़ों रुपए की फाइलें जल के खाक हो गई, इसकी बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? हम तो आपकी व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं, ये बौखलाए हुए हैं। मामला एक दूसरे पर आरोपों तक सीमित नहीं है। टिकट के सवाल पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल की अपनी अपनी प्रायोरिटी सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने चुनाव में टिकट को लेकर कहा कि प्रत्याशी तो वही बनेगा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। के आधार पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के राय मशवरा के आधार पर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जनता में अच्छा हो और जिसको जीतने के लिए लोग उत्साह दिखाते हैं केवल उसी को टिकट दिया जाएगा। इधर कांग्रेस की तरफ से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह टिकट पर साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस उसी को टिकट देगी जो पावरफुल हो, क्योंकि बीजेपी से ऐसे ही लोग मुकाबला कर सकते हैं। जनता का मुकाबला करने, गुंडों का मुकाबला करने के लिए हमें मजबूती के साथ ताकत के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। मुकाबला कमजोर आदमी नहीं कर सकता, मजबूत आदमी कर सकता। बहरहाल ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे दोनों ही दलों की तरफ से बड़े नेताओं के दौरे और तेज होते जाएंगे। ऐसे में तंज भी तेज होंगे और इस बीच वोटर को तय करना है कि उसके नजरिए में कौन बेहतर है। टीकमगढ़ से राजीव और भोपाल से वासु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में चुनाव करीब है और दोनों ही प्रमुख दल अपने अपने दावे लिए जनता के बीच जा रहे हैं। कोई काम गिनाकर सुनहरी तस्वीर बताने में व्यस्त है तो कोई खामियां गिनाने के साथ ही मीन मेख निकालने के काम में। इस बीच आपको हम लिए चल रहे हैं सीधी के आदिवासी वनांचल गांव ताल की यात्रा पर। तो साहब न विनोद देख रहा है न विकास देख रहा है, जिला मुख्यालय वाले बाबू नहीं देख रहे, केबिन वाले साहब नहीं देख रहे, वोट लेने वाले नेता नहीं देख रहे और दूर राजधानी की बड़ी सी इमारत में बैठे बड़े वाले साहब भी नहीं देख रहे। सीधी के आदिवासी वनांचल गांव ताल की ताल बेताला हो गई और ताल के विकास पर ताला पड़ गया, पर कोई नहीं देख रहा। देख रहा है बिनो। बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, नेटवर्क नहीं, पढ़ाई नहीं, इलाज भी नहीं। लेकिन फिर भी यकीन मानिए 21वीं सदी का ही है ये गांव ताल। रोशनी के लिए लालटेन का सहारा और पानी के लिए छत्तीसगढ़ की नदी का किनारा। मध्य प्रदेश में है निवास, छत्तीसगढ़ से लगी है आज। सीमा का गांव है ताल, उस तरफ है छत्तीसगढ़ जिसके सहारे जीवन गुजार रहे हैं ताल के बाशिंदे। नेहरू के कपड़े धुलने विलायत जाते थे नहीं जाते थे पता नहीं, पर यहां के लोगों का गेहूं छत्तीसगढ़ पिसने जाता है, रईसी में नहीं मजबूरी में। सरकारी हैंडपंप हवा उगलते हैं, बिजली के लिए लगा सोलर पैनल कब का बिगड़ चुका, पर यह दर्द न विनोद ने देखा न विकास ने समझा। मान ले अपने यहाँ लाइट बिजली हाँ पानी रोड यही सब है समस्याएं हैं।
तो हम लोग नहीं लमते नहीं आ हम कहाँ पर। हाँ तो कब से लाइट नहीं आए? तब से अब कहाँ से आए हो, रात लाइट रहे नहीं आवाते भाई। यहाँ लाइट नहीं है तो क्या करी? तो छत्तीसगढ़ पिछला भी सावे जाओ। हाँ वह तो भाई चक्की है। हाँ यहाँ सीधी में चक्की नहीं है? नहीं है। अरे दो तीन साल हो गए। हाँ देखी थे ऊँची थे ता। हाँ हो गया पाँच और बाती थोड़ी जला। अरे फिर कैसा गुजारा होता? ढेर मकान ढील बाल रही थे। कुल मिलाकर गांव का नाम ताल जरूर, लेकिन हर मूलभूत सुविधा के नजरिए से ताल इसकी बिगड़ी है। और इस ताल गांव की ताल को वापस लाने के वास्ते अब कलेक्टर साहब खुद यहां आने की बात कहने लगे। ये भी कहते हैं जरूरत हुई तो सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। लाइट नहीं है, उससे परेशान है। चक्की 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पिसाने। हाँ। गेहूं लाइट हो जाते, बोर हो जाते, पानी या गेहूं सब कुछ हो लागत। हाँ। अब यहाँ लाइट में आई नहीं, लाल टाइम के भरोसे से मन गुजारा कर रहा है। पानी विधायक आवत है कब कुछ विधायक ही तो है वोट के चक्कर में ही 5 साल में जब वोट पा जीते हैं तो फिर के नहीं को आ विधायक कुमार सिंह। पानी है गांव में? पानी है तो है मवई नदी है। हैंडपम्प नहीं काम करता? हैंडपम्प कहाँ काम कर ये यहाँ टावर नहीं बतावे, पेड़ में चढ़ना पड़ता है सर। हाँ तो काहे का टावर नहीं बताता? यह जियो को बतावे ना आइडिया को बतावे सर ना बिना सरकार तो पेड़ में काहे को चढ़ी थी टावर के चलते। ताल का जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बारे में एक बार आकलन करेंगे, आपने जो बिंदु उठाए हैं उसके बारे में हम वहाँ पे टीम भी भेजेंगे, स्वयं भी भ्रमण करेंगे। अगर वहाँ पे चाहे बिजली का या पेयजल का अगर कोई वास्तव में आवश्यकता होगी तो हम आकलन करेंगे और जो स्थानीय रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करके हम उसमें कुछ एक्टिविटी उसको स्पीड अप करेंगे। अन्य में अगर हमें कोई विशेष सहायता की आवश्यकता होगी तो हम उसका परीक्षण करते हुए प्रस्ताव रहेंगे। तो दौरा होगा, कलेक्टर जाएंगे, समस्याएं देखेंगे, प्रस्ताव बनेगा, भोपाल जाएगा, अफसर देखेंगे, उसे पास करेंगे, पास हुआ तो ठीक वरना वापस होगा, फिर प्रस्ताव भेजा जाएगा, फिर ये पास होगा, फिर टेंडर निकलेगा, फिर काम होगा और तब जाकर विनोद, विकास साहब, बड़े साहब, नेताजी सब आएंगे, मुस्कुराएंगे और अपने काम गिनाएंगे। हरीश द्विवेदी, न्यूज 18 सीधी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।